जितनी बार भी हम गैस स्टोव पर कुकिंग करते हैं तो उससे उठने वाला धुआं, ऑयल, स्टीम और एलपीजी गैस से उठने वाली जो गैसेस होती हैं, चिमनी अपने अंदर उनको सक कर लेती है और ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑयल कलेक्टर ट्रेज में इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर इनको रेगुलरली साफ ना किया जाए तो ऑयल वापस गैस स्टोव पर टपकने लगता है। ये देखिए कितना ज्यादा ऑयल और ग्रीस जो है वो ये सब डिपॉजिट हुआ हुआ है इसके अंदर। अगर हम इसको रेगुलरली साफ नहीं करते तो चिमनी भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है और शोर करने लगती है। ऑयल कलेक्टर्स को वीकली साफ कर लेना चाहिए और चिमनी डक्ट को साल में एक बार सर्विस जरूर कराएं। चिमनी का जो फ्रेम होता है उसको आप टिश्यू पेपर से या फिर न्यूज़पेपर से या किसी पुराने कपड़े से साफ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल और ग्रीस वगैरह लगी होती है वो फिर उस कपड़े को या उस चीज़ को हमें फेंकना ही होता है। हर कॉर्नर में अच्छे से साफ़ करें, जो फ्रेम के इनर पार्ट्स होते हैं, कोने होते हैं और जो मोटर होती है उसको भी अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ़ करें। देखो कितना कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है। ये ऑयल कलेक्टर ट्रे को मैंने एक टब में रख लिया है और अब इसके ऊपर खूब उबलता हुआ पानी मैं अच्छे से डाल दूंगी और कुछ टाइम के लिए इसमें ही भीगे रहने दूंगी ताकि जो भी ऑयल है वो सब जो इस ट्रे के अंदर से निकल जाए और जो ट्रे है वो एकदम से क्लीन और डिसइनफेक्ट हो जाए। जो भी उसमें ऑयल है, ग्रीस है, ग्राइम है वो सब निकल जाए पानी में। ऑयल कलेक्टर ट्रे को साफ़ करने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप पानी और उसमें डिश लिक्विड डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उनसे ही मैं ऑयल कलेक्टर ट्रे को साफ़ करूँगी। कोई भी हार्श केमिकल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे कोई बर्तन होते हैं जैसे कढ़ाई वगैरह जो हम फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी हम गर्म पानी से ही साफ़ कर लेते हैं। लोहे का ब्रश यूज़ ना करें क्योंकि फिर इसके ऊपर स्क्रैचेज़ आ जाएंगे। कोई भी पुराना टूथब्रश आप लेके और उसको लिक्विड में डिप 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 करके और अच्छे से जो ग्रूव्स होते हैं उसमें ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ करते जाएं दोनों साइड से, और दोनों फिल्टर ट्रेज़ को अच्छे से इसी तरह से साफ़ कर लें। अब इन ट्रेज़ को चलते पानी के नीचे, टैप के नीचे अच्छे से धो लें दोनों साइड से। जो भी आपने लिक्विड यूज़ किया है उसको अच्छे से निकल जाने दें और ट्रेज़ बिल्कुल अब एकदम से साफ़ नज़र आ रही हैं, क्लीन हो गई हैं, हाइजीनिक हो गई हैं और किसी तरह का ऑयल या डस्ट या डर्ट इसके अंदर अब नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल ही क्लीन हो गई हैं ये ट्रेज़, और अब चिमनी भी बहुत अच्छे से साफ़ करेगी, ना ही शोर होगा और ना ही किसी तरह का ऑयल जो है वो स्टोव के ऊपर गिरेगा। तो चिमनी की जो ट्रेज़ हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, एकदम से चमक रही हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ऑयल जो है वो निकला है इन टिश्यू पेपर्स पर, और इसी वजह से हमारी जो चिमनी है वो शोर करती है और ठीक से काम नहीं कर पाती है। अभी हम चिमनी की जो आउटर सरफेस है, जो ग्लास पार्ट होता है और जो डक्ट का जो आउटर पार्ट होता है उसको भी एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ गीला करके उससे साफ़ कर लेंगे और फिर एक सूखे तौलिए से उसको अच्छे से सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे, और चिमनी के साइड्स पे जो कैबिनेट्स बने होते हैं उनको भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से पोंछ लेंगे और सुखा लेंगे।
अब चिमनी बिल्कुल साफ़ हो गई है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलती हूँ जल्दी ही नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड।